हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आज का नज़ारा देख लो। और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज वॉशिंग मशीन से। तो मैं कपड़े धोने में लगाने थे तो मैं वो लगाने लग रही थी, और यहाँ पे मैं किचन के कपड़े धोने जा रही हूँ इस टाइम। उसके लिए मैं पानी भर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं अभी सर्फ ऐड कर रही हूँ। सर्फ मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा करके डाल रही हूँ ताकि जो मैले कपड़े हैं वो अच्छे से क्लीन हो। ताकि और यहाँ पे अभी ना गरम गरम पानी आ रहा था, मैंने सारे कपड़े धोने में लगा दिए हैं। सो अभी मैं जाऊँगी लंच बनाने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज है मंडे और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टरनून से। एक्चुअल मैं आज मॉर्निंग में ये जल्दी ऑफिस चले गए थे, तो मैंने मतलब ब्रेकफास्ट इनका करने का इतना ज़्यादा मन नहीं था, तो छुट्टू पुट्टू खा गए थे थोड़ा बहुत। तो ये बोले कि मैं दोपहर में आ जाऊँगा, क्योंकि सुबह सुबह इतना मन नहीं करता है खाने का कुछ भी। तो मैंने कहा ठीक है, तो अभी मैं आई हूँ किचन में। थोड़ी अभी मैं सो गई थी, पता है 12 बज रहा है अभी। तो मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। एक्चुअल में क्या है ना, मैंने पनीर बनाया था, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था ना, मैंने दूध फट गया था, तो मैंने ये पनीर बनाया था। तो मैं इसी की अभी सब्जी बनाने वाली हूँ। काफ़ी सारा पनीर है, तो पनीर मटर पनीर बनाऊँगी, तो वही मैं आप सभी के साथ भी शेयर करूँगी। सॉरी, अभी मैं जस्ट सोकर उठी थी, मेरी आँख लग गई थी। टच को सुलाते सुलाते ना मेरी खुद की आँख लग जाती है। वैसे मैंने सोचा था वो सो जाएगा, मैं अपना काम कर लूँगी। तो मैंने अभी मशीन लगाया है, और क्या कहते हैं, मैंने कहा चलो जल्दी से खाना बना लेते, फिर इनको फ़ोन भी करना है, फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा तो फिर ये आएंगे नहीं, तो इस वजह से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और दिन शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ शेयर करने से। और मॉर्निंग से आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। तो एक्चुअली में क्या हुआ ना, रात में तक्ष ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। पता नहीं क्या बात थी, क्यों वो इतना इरिटेट हो रहा था। उसको इस वजह से मेरी नींद ही नहीं पूरी हुई। कई बार तो मैं मतलब बैठे बैठे ही हूँ, सोए मेरी गर्दन ना एक तरफ की तरफ ही मुड़ गई थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी मॉर्निंग में। फिर नॉर्मल हुआ थोड़ा, और पता नहीं क्या कल आज मेरे हाथों पर भी सुबह में स्वेलिंग थी। जब सुबह में मुट्ठी बांध रही थी, मुझसे मुट्ठी नहीं बंद हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा पता नहीं अजीब सा ही था कल का रात, तो इस वजह से। सो अभी क्या कहते हैं, ठीक लग रहा है, क्योंकि अभी मैं भी क्या कहते हैं आधा पौन घंटे आराम से सो गई, उसको सुलाया, फिर पता नहीं मेरी भी आँख लग गई। और ऐसा होता ही है, जब आप बच्चे को सुलाते हो ना तो आपको खुद को एक नींद आने लग जाती है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैं खाना रेडी करती हूँ। उधर मशीन चल रही है, उतनी देर में मेरा राउंड भी चल जाएगा। सो चलिए मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। सो अभी मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने, और लंच बनाने के समय मेरा मूड बहुत अच्छा था, तो मैं लंच बहुत खुशी से बना रही थी। और यहाँ पे मैं प्याज, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च वो सब इकट्ठा कर रही थी, ताकि मैं एक बार में सारी चॉपिंग कर पाऊँ। और मैं फ्रोज़न मटर से बना रही थी, तो मैंने मटर को भी भिगोने रख दिया है, और ताकि जो आइस है उसकी वो मेल्ट हो जाए। और यहाँ मैं चॉपर में कट करने वाली हूँ, तो देखो चाकू से मैंने विंडो भी ओपन कर ली है। तो मैंने ट्रे ले ली है ताकि गंदी ना हो, स्लैब गंदी हो जाती है फिर मन नहीं करता काम करने का। और पता नहीं क्यों मेरी स्लैब थोड़ा भरी भरी रहती है, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या चीज़ क्या मैनेज करूँ ताकि मेरी स्लैब थोड़ी खाली खाली दिखे। आप लोग कुछ सजेस्ट करना मैं क्या कर सकती हूँ। सो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। अच्छा, मैं एक वेजिटेबल वाली बास्केट जो है वो मैं नीचे कॉर्नर में रख सकती हूँ, लेकिन हमारे छोटे साहब के चलते मैं वो भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो आलू वगैरह ले लेके घूमता रहता है यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ। अब मैंने प्याज को वॉश कर लिया है, तो अब मैं चॉपर में चॉप कर रही हूँ। ये चॉपर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा फेवरेट है। जब से मैंने एक बार यूज़ किया था, मेरे पास उस टाइम में मिक्सी नहीं था, जब मैं वापी आई थी मतलब शादी के बाद, तो हमने अपनी गृहस्थी नई नई शुरू करी थी, तब मेरे पास उतना ज़्यादा सामान नहीं था, कुछ भी मतलब सुविधा नहीं थी, तो बहुत बेसिक चीज़ें थी। तो उस टाइम में ये चॉपर मेरे को मिला था, मतलब न्यूट्री
न्यूट्रीलाइट करके कुछ ब्रांड की कुछ चीज़ें आती हैं, तो उसमें निकला था। तो मेरे हस्बैंड के जो बॉस हैं उन्होंने मंगाया था, तो वो चॉपर उनको कोई काम का नहीं लगा था तो उन्होंने इनको दे दिया था। तो मैं ये चॉपर देखकर इतना खुश हो गई थी कि पता नहीं मुझे क्या मिल गया है, क्योंकि मेरे को मेरा काम बहुत आसान लगने लग गया था, क्योंकि मिक्सी की कमी बहुत खलती है किचन में अगर आप काम करते होते हो। तो तब से मेरे पास ये चॉपर है, अभी ये मेरा तीसरा या चौथा चॉपर चल रहा है। सो इसकी जो डोरी है ना खींचने वाली, वो मतलब थोड़ा ख़राब होने लग जाती है, तो अभी भी मेरे को वो प्रॉब्लम करने लग गई है, लेकिन जब तक काम चल रहा है तब तक चल रहा है करके मैं काम निकाल रही हूँ, क्योंकि जब तक सही चल रहा है तब तक तो चलाना ही चाहिए। सो यहाँ पर देखो इतने सारे टमाटर ये ख़राब हो गए थे मेरे, मुझे बहुत ख़राब लग रहा था। और यहाँ पे मेरी चॉपिंग वगैरह जो है वो सब हो चुकी है, अब मैं तड़का लगाने जाऊँगी। तो ग्रेवी बनाने में बहुत टाइम लगता है कसम से, क्योंकि आपको हर एक मसाले को डालकर अच्छे से भूनना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे देसी घी ऐड किया है मटर पनीर बनाने के लिए, और मैं कम से कम मतलब डालकर बनाना पसंद करती हूँ। आजकल कोई भी सब्जी हो तो मैंने थोड़ा सा ही देसी घी डाला है, आप लोग देखेंगे। और मैं यहाँ पे मसालदानी में काली मिर्च ख़त्म हो गई थी, मैं वो खोल रही थी, तो मैंने हींग जीरा डाल दिया है देसी घी में, और आप देख सकते हैं ना मैंने कितना कम डाला है, वरना मटर पनीर की सब्ज़ी में थोड़ा खुले हाथ से ही घी डाला जाता है या ऑयल जो भी आप यूज़ कर रहे हो। सो देखो मैंने यहाँ पर ना प्याज थोड़ा चिपक रही थी तो मैंने सॉल्ट डाल दिया, ताकि जल्दी से जो भी पानी है उसका वो रिड्यूस कर दे। तो प्याज जब कुकर को छोड़ देगी तब मैं समझूंगी कि हाँ हो गई, तो अभी हो गई थी तो मैंने टमाटर भी ऐड कर दिया। और टमाटर डालने के बाद मैं थोड़ी देर स्लो गैस पे इसको बनने दूंगी। उतनी देर में मैं क्या कर रही थी, आटा लगा ले रही थी, और थोड़ा तक्ष उठ गया था तो एक बार उसके पास जाके बैठ गई थी, फिर वो दोबारा सो गया। तो बस यही सब काम बीच बीच में चलते रहते। एक बार चली गई थी मशीन, क्या कहते हैं, थोड़ा वो हो गई थी, बंद हो गई थी, तो उसको सही करके आई। हल्दी, धनिया, मिर्ची और काली मिर्च, ये सभी मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। आजकल हमको खाने में मतलब मेरी पूरी फैमिली को ही काली मिर्च का स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है, सो मैं ऐड करती हूँ। सो गरम मसाला मैं कम डालना पसंद करती हूँ। और यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी है, अभी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मटर। और मतलब कढ़ा मतलब ऑयल तो अलग नहीं हुआ है मसाले में से, लेकिन आप देख रहे होंगे कुकर को उसने अच्छे से छोड़ दिया है, तो यही निशानी होती है कि मसाला अच्छे से भुन चुका है। तो मैंने यहाँ पे पानी भी ऐड कर दिया है, और अब मैंने पनीर भी ऐड कर दिया है। तो मैंने जिस हिसाब से मुझे ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से मैंने पानी ऐड ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे मैं अभी दो सीटी लगा लूँगी, ताकि पनीर में भी जो मतलब मसाले जाने हैं वो चले जाएंगे, और क्या कहते हैं मटर भी सॉफ्ट हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने जो आटा लगा के रखा था तो उसको थोड़ा चिकना कर लिया, और अब मैं रोटियाँ बना लूँगी हाथों हाथ जल्दी जल्दी। तो घी तो ख़त्म हो गया था घीदानी में, तो फिर मैंने सोचा मुझे चलो घी निकाल लेती हूँ, तो मैंने घी निकाल लिया है। चपातियों पे घी लगा कर रखो ना तो नरम रहती है, क्योंकि अभी इनके आने का कोई टाइम नहीं था कि वो कितनी देर में आएंगे। एक्चुअल में क्या है ना, उनके साथ का जो एक कलीग है वो अभी इस टाइम नहीं है, तो प्रेशर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो अपना भी काम करना पड़ता है और सामने वाले गंदे का भी काम करना पड़ता है। कहता है ना ये तो काम मतलब जब आप साथ में करते हो तो आपको ये थोड़ा मैनेज तो करना ही पड़ता है, क्योंकि जब ये गए थे तो उन्होंने काम देखा था, अब वो गए हैं तो ये काम देखते हैं, तो वो तो एक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। तो यहाँ पे मैंने गाय माता की पहले रोटी बना दी है, और दूसरी रोटी से स्टार्ट करते हैं हम अपनी रोटी का। तो बस इसी तरीके से मैंने सारी रोटियां बना के रख ली थी, लेकिन मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, वो आपको आगे जाके पता चलेगा क्यों ख़राब हो गया था। समझते सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ना एक मन में रहता ही है कि यार इतनी मेहनत से मैंने जल्दी जल्दी किया और फिर ऐसा हो गया, तो लगता ही है।
ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर मेरी जो मतलब सब्जी है वो हो गई और रोटी परांठा जो बनाना था वो बन गए। अब मैंने यहाँ पे सब्जी खोल ली है तो मैंने यहाँ पे मलाई को ऐड कर दिया है ऊपर से। मैंने मैंने एक का ब्लॉग देखा था, उन्होंने इस तरीके से किया था तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा था। वैसे क्या होता है ना, आप मलाई भूनते टमाटर भूनते टाइम ही डाल देते हो तो वहाँ पर क्या होता है बहुत ज़्यादा अपना सारा जो वो रहता है घी छोड़ देती है मलाई, तो वो स्वाद नहीं रहता है। और इस टाइम पे जो रिचनेस आई थी ना सब्जी में, मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने यहाँ पे हल्का सा गरम मसाला भी ऐड ऑन कर दिया। तो यहाँ पर देखो हमारे छोटे साहबजादे सो रहे हैं, अभी बस जस्ट उठने ही वाला है तो मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ। तो अभी खाना बनाना हो गया है और मैं आके बैठ गई हूँ थोड़ी देर, क्योंकि मेरी कमर में दर्द हो रहा है तो इसीलिए मैं आके बैठ गई हूँ। और उधर मैं इसलिए नहीं बैठी, एक तक्ष भी हिल रहा है, मैं जाके बैठूँगी डेफिनेटली उठ जाएगा। और अब फिर से देखो उठा, जस्ट अभी उठने ही वाला है क्योंकि देर हो गई है। मुझे सही एक सवा घंटा लगा है खाना बनाने में, रोटी वगैरह मैंने बना के रखी है, सब्जी भी बन गई है। उठ गया बाबू, मेरा लाडू उठ गया, उठ गया। अब थोड़ी देर दूंगी इसको अटेंशन, उसके बाद करूंगी ब्लॉग की एडिटिंग, फिर मैं आप सभी से मिलूंगी और इनको भी फोन करके कह दूंगी खाना रेडी है, आप जब भी आओ तो आ जाना, खाना बिल्कुल रेडी है। तो बस ऐसे जैसे है, मशीन में कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं तो वो भी धुल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इनके आने का तो अभी तक हुआ ही नहीं है, शाम के 5 बज रहे हैं और ये अभी तक नहीं आए हैं। वेट कर करके परेशान हो गई, दोनों बच्चों को खाना खिला दिया है और जस्ट बस मैंने अभी अपना वीडियो एडिट करके अपलोडिंग पे लगाया है तो वो अपलोड हो रहा है। तो आजकल मैं अपने ब्लॉग्स जो हैं वो शाम को 6 बजे अपलोड करती हूँ। तो आई होप आप लोग को नोटिफिकेशन आता होगा, आता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स, आप सभी के कमेंट का मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सभी के कमेंट्स रीड करना और आप सभी से बातें करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी बातें अपने वीडियो के ज़रिए बताती हूँ, आप अपनी बातें अपने कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब आप सभी के कमेंट्स को रीड करना और सब, और कोई गलती हो जाए तो वो भी आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं ताकि मैं उसको और इम्प्रूव कर सकूं। तो यही है, चलिए मिलती हूँ आप सभी थोड़ी देर। अच्छा, यहाँ पे जो कपड़े धुल गए थे वो मैं कपड़े फैला रही थी और मुझे पता भी नहीं था कि विहान मेरा वीडियो बना रहा था, तो मैंने कहा चलो बच्चे ने जब बनाया है तो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो तक्ष को मतलब अपहेड सूझ रही है कि मैं क्या कर डालूँ अभी, क्या से क्या कर दूँ, घूम रहा है यहाँ से वहाँ कि मुझे कुछ मिल जाए तो मैं कर डालूँ, तो वही है। तो जैसे जैसे ही पूरा दिन निकलता रहता है और बच्चों में ही मेरा पूरा दिन निकल जाता है, मैं अपना टाइम इन्हीं लोगों में बिजी करना पसंद करती हूँ। और देखो यहाँ पर कितनी मस्ती आ रही है, मुझे आप सभी से थोड़ा सा बात करनी थी पर ये बच्चा करने नहीं दे रहा था, बदमाश। जब पापा से मिल के आओ, क्या पापा क्या कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, कल मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई थी और अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो मैंने देखा मैंने अपना ब्लॉग ही एंड नहीं किया है। रात को उस कल शाम को मैंने 5:30 बजे करीब आप सभी से बात की थी, उसके बाद मैंने कोई क्लिप ही नहीं ली क्योंकि थोड़ा मूड अपसेट हो गया था, ये आए नहीं थे
5:30 बजे तक, जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये आए हैं खाना खाने 6 बजे, तो हमारा रात का और लंच एक बार में ही हो गया था। और रात को फिर खाना नहीं खाया था हम लोगों ने, क्योंकि 6 बजे के बाद क्या ही खाना खाना ना, वो वाला हिसाब। तो और मैं आजकल जो डेली ब्लॉग डालने की पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ, बस एक संडे को गैप हुआ था। इधर मैं कई दिनों से मैं रेगुलर वीडियोस डाल रही हूँ, और मुझे ना थोड़ा बहुत थोड़ा मतलब अजीब सा लगता भी है, क्योंकि व्यूज़ आपके एक लिमिटेड ही आते हैं। एक मतलब इतने आने हैं तो वो इतने ही आने हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आते, कुछ भी कम नहीं आते, तो मतलब मुझे बहुत ख़राब लगता है। और कई लोग क्या कहते हैं, क्लिक बेट बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि आजकल का ट्रेंडिंग टॉपिक है प्रेगनेंसी। हर दूसरा यूट्यूबर प्रेगनेंसी को अलग अलग तरीके से यूज़ करता है। प्रेगनेंसी अगर आप अपनी टैग लाइन में डालते हो तो आपके व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। और ये मैं कईयों के वीडियोस में देख चुकी हूँ, जहाँ उनके 2,000-2,500 व्यूज़ आते हैं, वहाँ उनके वो 20,000 व्यूज़ आ जाते हैं। तो इतना डिफरेंस पड़ता है। तो जैसे ही लोगों के मतलब एक जो लेवल पे पहुँच चुके हैं यूट्यूबर्स, वो मतलब जैसे ज़रा भी व्यूज़ उनके डाउन होते हैं तो प्रेगनेंसी को वो यूज़ कर लेते हैं, सेकेंड प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी इस तरह की से यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि प्रेगनेंसी के ऊपर मतलब प्रेगनेंट है तो क्लिक बेट टाइटल्स डाल डाल के, और क्या कहते हैं, जो बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं है उसके लिए इतना मतलब गलत वाइब्स को क्रिएट करके वो टाइटल डालते हैं ना, तो मतलब कहीं ना कहीं वो वाइब्स बन तो रही है ना। तो इस तरीके से आप ना करें, और प्रेगनेंसी का खेल बना रखा है एक तरह से, आप ये समझ लो, क्योंकि हर दूसरा यूट्यूबर यही कर रहा है, प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी। तो ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ख़राब लगता है। अगर आपको व्यूज़ लेने ही हैं तो आप अपने ओरिजिनल कंटेंट पे लीजिए, आप अपना कुछ अलग दिखाइए। जो लोग प्रेग्नेंट हैं वो तो खैर उससे रिलेटेड ही उनके टाइटल्स रहेंगे, या उससे रिलेटेड ही उनकी मतलब जब उनकी लाइफ में प्रेगनेंसी चल रही है तो उससे रिलेटेड ही सब कुछ रहेगा, वो एक चीज़ अलग है। लेकिन जो लोग प्रेग्नेंट नहीं हैं वो लोग भी आई एम प्रेग्नेंट करके वो टाइटल डाल देते हैं, और अच्छा मजाक उड़ा रखा है प्रेगनेंसी का। तो वो चीज़ क्या कहते हैं, बंद होनी चाहिए, और इस तरीके के लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए मेरी नज़र में। और जो जेन्युइनली अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, जेन्युइनली अपना मतलब वीडियोस बनाते हैं, तो उनको व्यूज़ उतने नहीं आते हैं। और इस तरीके के प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो कोई भी कुछ भी डाल दे तुरंत व्यूज़ आ जाते हैं, तो वही सब है। तो ये चीज़ थोड़ा हर्ट करती है, क्योंकि हर तरीके का मतलब हम लोग एक दायरे में रहकर ही अपने वीडियोस बना सकते हैं, इस तरीके के क्लिकबेट टाइटल्स वगैरह कौन ही डालता है। तो मेरा कहने का बस मतलब उतना ही है कि अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो इस तरीके के टाइटल्स को यूज़ ना करें, और सिर्फ अपनी जो जनता है उसको गुमराह करने के लिए। क्योंकि कई लोग जो मतलब वेल विशर्स होते हैं उन लोगों को तो खुशी हो जाती है कि हाँ चलो ये प्रेग्नेंट है ये वो, और कुछ लोग तो इतने घटिया हैं कि प्रेगनेंसी अनाउंस करते हैं उसके बाद विद इन 5-7 डेज में ही मिस हैपनिंग का वीडियो डाल देते हैं, तो वो चीज़ बहुत ख़राब है। अगर वही लोग घर बनाते हैं अपना तो उसमें क्या कहते हैं, वो छुपा के रखते हैं कि नज़र लग जाएगी प्रेगनेंसी, तो उससे भी ज़्यादा मतलब उससे भी ज़्यादा कीमती है, उससे भी ज़्यादा प्रीशियस मोमेंट है, तो उसको क्यों इतना तुरंत ही रिवील कर देना, या तुरंत ही क्या कहते हैं इतने बड़े सोशल मीडिया पर बता देना। थोड़ा एक जो टाइमिंग होता है उसके साथ बताना ज़्यादा बेटर रहता है। कई लोग क्या सोचते हैं ना, कि मैंने कई लोगों की ये चीज़ ऑब्जर्व की है, जो अर्ली प्रेगनेंसी अनाउंस कर देते हैं ना, उनके साथ कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग होती ही है। क्यों? क्योंकि उनको पता चल जाता है, डॉक्टर सब जानते हैं, सब अपडेट कर देते हैं, तो उसी हिसाब से वो व्यूज़ के लिए अर्ली प्रेगनेंसी अनाउंस कर देते हैं। मैंने कईयों का इस तरीके का देखा है। नहीं तो जिन लोगों की प्रेगनेंसी रुकी है वो लोग एक टाइम लिमिट के बाद ही बताते हैं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप सभी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और प्रेगनेंसी को यूज़ करना बंद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हर औरत के लिए एक बहुत प्रीशियस मोमेंट है, और इससे बड़ा खुशी कोई नहीं है। और
तो इसको इस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए मेरी नज़र में। तो आप लोग क्या सोचते हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ आपके नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।